चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऊना की बात करते हैं, जहां पर उपायुक्त राघव शर्मा ने गांव घरवासड़ा में वन विभाग द्वारा 65 लाख की लागत से बनाए जा रहे विश्राम गृह का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला वन मंडल अधिकारी मृत्युंजय माधव भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही वन मंत्री राकेश पठानिया और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 1,93,00,000 की लागत से तैयार हुए इस इको फ्रेंडली पार्क, विश्राम गृह और निरीक्षण हट का लोकार्पण किया था। अब उसी कड़ी में इस विश्राम गृह को बनाया जा रहा है। ये हम लोगों का एक काफी अच्छा रेस्ट हाउस वहाँ बन रहा है, 4 कमरों का विद सिटिंग हॉल, जिसमें कि 20-25 लोग बैठ सकते हैं। तो उसी का एक बार बीच में जो काम हुआ है, अभी तक जो काम हुआ है, उसको दिखाने के लिए हम लोग उपायुक्त महोदय को ले गए थे। और इसी बीच उन्होंने कुछ सलाह भी दिया, जैसे कि बाहर कुछ काम था जिसको कि मनरेगा के थ्रू भी किया जा सकता है। तो उनके जो एडवाइसेस हैं उस पर हम लोग आगे काम करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसको हम लोग 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे।